हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात में आपका ओबीसी हो गया। दोस्तों, आपकी जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में हर एक राज्य में अलग अलग जातियां निवास करती है। तो गुजरात में आपका गुजरात राज्य में ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आती है, एससी में कौन कौन सी जातियाँ आती है और एसटी कैटेगरी में कौन कौन सी जातियाँ आती है। ओबीसी होनी होता है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसका हिंदी अर्थ होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, जिसका मतलब हिंदी अनुवाद होता है अनुसूचित जाति। और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति। तो गुजरात में आपका ओबीसी में सबसे पहले मैं ओबीसी का बताऊंगा, फिर एससी का, फिर एसटी का, ठीक है? तो दोस्तों, गुजरात में ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन सी जातियाँ आती है, चलो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एसेंट थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो सकता है, तो ये आप ना जो लिस्ट दिखा रहा हूँ वो आप देखते चले जाइएगा। जैसे कि आरी, भरताभरा, अहीर, अंसारी, अतीत बावा, बरिया, बराइत कोली, बरोद, बावा, बनारा, भोई, भोई, भोईराज, चरण गादवी, चौधरी, चाहरा, दिसानिया, फकीर, फकीर मुस्लिम, गदारिया, गलारिया मुस्लिम, गंची, गराना, गिरी, गोसाई, गोस्वामी, गुज्जर, हिंदू अंजना, इदराई, कोली, जाट, जखुदिया, वेयर देयर नोट एसटी, जुलैया, गुरानिया, तरीस, पारी, ऑल मुस्लिम्स, काची, कुशवाहा, खरवा, खायती, खतकी और कसाई, चमड़िया, कटकी, खलारी, खटकी, ऑल मुस्लिम, कोली, कुंभर, प्रजापति और वैरिया, जो लगाते हैं सब टाइटल में, ठीक है? मछिंद्रा, भोई, मजोथी, ऑल मुस्लिम, माली, मरगी, मटवा, मटवा कुरेसी, मौर्य, कोयरी, मौर्य, कोरिया, कोरिया, मिस्त्री, सुथार, सुतर, मियाना, मियाना मुस्लिम, मोद, गांची, नट, बंजनिया, प्रजापति, प्रजापति, राजभर, भर, रथोदिया, तलपड़ा, कोली, तेली, तेली राठौर, तेली राठौर, तेली साहू, वघेरी, गमिछो, वघेरी, गमिछो, वघेरी, गमिछो, वैरागी, बावा, वंकर एंड चमार, वंसफोडिया, वंजा, वाडवा, वघेरी, वघारी। तो ये जितनी भी मैंने अभी आपको जातियों की सूची दिखाई, सभी की सभी आपकी ओबीसी की कैटेगरी में आती है। जितनी भी जातियाँ की मैंने अभी दिखाई, वो सभी की सभी ओबीसी सूची में आती है गुजरात राज्य में, ठीक है? एक बात और समझ के चलिएगा कि जितनी भी मैंने अभी जातियों की सूची बताई, तो ये सब सारी जातियाँ ओबीसी में आती है गुजरात राज्य में। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात के आसपास में, मान के चलो स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, यूपी, हरियाणा और भी कई सारे स्टेट हैं, मतलब उस रीजन में, तो वहाँ पे भी ये सब जातियाँ ओबीसी में आएंगी, वो ज़रूरी नहीं। ये मैं सिर्फ गुजरात के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब मैं दिखाता हूँ गुजरात में आपका एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट में कौन कौन सी जातियाँ आती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ गुजरात राज्य में आपका एससी कैटेगरी में कौन कौन सी जातियाँ आती है। तो यहाँ पे मैं कास्ट जो है वो कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, जितनी भी मैं अभी जातियों की सूची दिखाऊंगा, वो सभी के सभी आपके गुजरात राज्य में, गुजरात में आपके ओबीसी कैटेगरी में आती है, ठीक है? सॉरी, एससी कैटेगरी में आती है। देख लीजिएगा, मैं शुरू से फिर से बता रहा हूँ, एक सेकंड पहले आप देख लीजिए इस चीज़ को कि गुजरात राज्य में आपके एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट में कौन कौन सी जातियाँ आती है, वो एक एक करके आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं पढ़ते जाऊँगा तो मेरा एसेंट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो आप देखते चले जाइएगा। अगेर, अंत्याज, असाद्रु, असोदी, बकड़, वाल्मीकि, बंत, बावा, डेढ़, बाम्भी, बम्भी, भांगी, चलवड़ी, चमार, चमगर, चनन्या, चैनादसर, चेनवा, दक्षहिया, देद बरोड, देद साधु, ढेड़, ढेड़, ढेगु मग मेगु, धोर, गर्मतंग, गारो, गरोड़ा, हड्डी, हदी, हलालकोर, हलास्वर। दोस्तों, पढ़ने में मेरा एसेंट अगर गड़बड़ हो रहा होगा तो आप देखते चले जाइएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि इसका एसेंट थोड़ा सा मिसमैच हो ही जाएगा, ठीक ना? हलीर, हलसार, हरेलिया, हरली, हसलर, होलर, होलिया, होलियादसर, होलेर, होलोसवर, कक्या, कमातीमोची, कनकिया, खालपा, कोली, कोरर, लालबेगी, लिंगदर, मचिगर, मदर, मैडिग, महर, महायवंशी, महायवंशी, मलकाना, मांग, मांगरुड़ी, मारुवंकर, मतांग, मघवल, मेघवाल, मेहतर, मेंघवर, मिनीमडिग, मोची, मोचिगर, मुरकी, नडिया, नालिया, नलिया, ओलंगाना, पस्सी, रनिगर, रावत, रोहिदास,
रोहित, रुखी, समगर, सेडमा, सेनवा, सेमलिया, सेनवा, तरल, तेलुगुमोची, थोरी, तिरबंदा, तिरगर, तुर्री, तुर्रीबरोत, वलहर, वाल्मीकि, वंकर, जदमिली, चंभार, मोची, इंडांग डिस्ट्रिक्ट्स एंड उमरेन तालुका ऑफ वलसड डिस्ट्रिक्ट ओनली। मोची में जो ये सब जो डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं मोची, वही सिर्फ एससी कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा डांग डिस्ट्रिक्ट और उमरगांव तालुका और वलसद डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर मोची को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरे जिला में निवास करते हैं तो वो ओबीसी वगैरह कैटेगरी में आते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप नोटिस कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति, उसकी उसकी कौन कौन सी जातियाँ एसटी कैटेगरी में आती है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपकी जो जाति है एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, देख सकते हो गुजरात में आपका शेड्यूल ट्राइब में एसटी कास्ट में आपका एसटी में कौन कौन सी जातियाँ आती है वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। गुजरात राज्य में एसटी कैटेगरी में आपका बगालिया, भील, चौधरी, जो सूरत और वलसड डिस्ट्रिक्ट में जो चौधरी है वो एसटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। डुबला, हलपति, तलविया, तो इतने ही दोस्तों आपके एसटी में इतने ही जातियाँ यहाँ पे दिखाई गई है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको लगभग हर एक कैटेगरी की हर एक जातियाँ लगभग दिखा दी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।